ग्लासगो में संपन्न हुए कोप 26 शिखर सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए पंचामृत सिद्धांत संपूर्ण विश्व को ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से बचाने के लिए अति आवश्यक कदम है। इन सिद्धांतों में निहित दूरदर्शी सोच के दूरगामी परिणाम होंगे जो कि संपूर्ण मानवता के कल्याण में मील का पत्थर साबित होंगे। इसी दूरदर्शी नेतृत्व की बदौलत भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से शिखर की ओर अग्रसर है। भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। वर्ष 2014 के बाद भारत ने 70,550 मेगावाट की विशाल रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता स्थापित की है जो कि पहले से स्थापित क्षमता से 175% अधिक है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं और अब आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत भारत में ही बड़े पैमाने पर सौर पैनलों का उत्पादन शुरू हो गया है। वर्ष 2030 तक 50% ऊर्जा जरूरतों को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करने के माननीय प्रधानमंत्री के दीर्घकालिक संकल्प की पूर्ति हेतु हिमाचल प्रदेश भी यथासंभव योगदान के लिए कृत संकल्प है। इस वर्ष की शुरुआत में घोषित ऊर्जा नीति अक्षय ऊर्जा की विभिन्न स्रोतों के दोहन को प्रोत्साहित कर 2030 तक 10,000 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखती है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड चंबा जिले में 48 मेगावाट की चांजू 3 और 30 मेगावाट की देवथल चांजू जल विद्युत परियोजना पर कार्य शुरू करने के लिए तैयार है। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में लगभग 1,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इन दोनों परियोजनाओं की कमिशनिंग के बाद 277.54 मिलियन यूनिट वार्षिक विद्युत उत्पादन होगा और हिमाचल प्रदेश को लगभग 110 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा। परियोजना के बनने से कार्बन उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 2,21,843 मीट्रिक टन की कमी आएगी। परियोजना निर्माण में लगभग 8,76,000 मानव कार्य दिवस सृजित होंगे। पर्यावरणीय प्रभावों को और कम करने के लिए परियोजना स्थलों तक श्रम शक्ति और निर्माण सामग्री को ले जाने के लिए रोपवे प्रणाली का प्रस्ताव है जिससे पारंपरिक सड़कों की आवश्यकता और पेड़ कटान की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। परियोजना प्रभावित क्षेत्र में संरचनात्मक विकास के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में परियोजना लागत का 1.5% यानी 10,23,00,000 रुपए खर्च किया जाएगा। परियोजना के कमिशनिंग में आने के बाद वार्षिक राजस्व का 1% हिस्सा परियोजना प्रभावित परिवारों में वितरित किया जाएगा। इन परियोजनाओं के बनने से प्रदेश की आर्थिकी में सुधार होगा और प्रदेश की संपूर्ण प्रगति सुनिश्चित होगी।